नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप, रुझान देर से अपडेट किए जा रहे। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग, महबूबा की बेटी बोली जनता का फैसला मंजूर। वडोदरा में नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी अरेस्ट। हरियाणा में 10 साल बाद भी कांग्रेस खाली हाथ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पहुंचे ताजमहल देखने, पत्नी डायना संग बेंच पर बैठ खिंचाई रोमांटिक फोटो। उनकी कमी हर पल महसूस होती है, पिता की पुण्यतिथि पर बोले चिराग पासवान। जम्मू कश्मीर के लोगों को सांस लेने दो, रिजल्ट के बीच इंजीनियर राशिद ने कही बड़ी बात। झारखंड में उम्मीदवारों को तय करने में जुटी बीजेपी, नड्डा शाह की 5 घंटे तक बैठक। आजम खान की बड़ी मुसीबत, शत्रु संपत्ति के दस्तावेजों में हेराफेरी के केस में आया नाम। सीएम नीतीश ने बिहार के लिए खोला खजाना, दी 1650 करोड़ रुपए की सौगात। महाराष्ट्र में शिंदे गुट को लगा झटका, दीपेश महात्रे समेत 7 पूर्व पार्षदों ने थामा उद्धव ठाकरे का हाथ। गुजरात में सड़क हादसे में 3 की मौत, 54 जख्मी। राजस्थान में आज बारिश की संभावना, दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक। सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन हिंदू पर्वों में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटेंगे, वाराणसी में गरजे सीएम योगी। ताजमहल कालातीत कृति, खूबसूरत स्मारक देख मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने लिखा कमेंट। जूता पहनकर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट, नगर विधायक बोले भाग जा नहीं तो पिट जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने पर भी चल सकता है दहेज हत्या का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। अयोध्या में साधु के वेश में रह रहे थे 2 शातिर, 17 साल बाद गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस तो हर कोई रह गया दंग। बॉयकॉट मालदीव प्रिंट से परेशान मोहम्मद मोइजू, दिल्ली में भारत के लोगों से कर दी बड़ी मांग। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर नजर रख रहा भारत, पेट्रोलियम मंत्री ने जताया भरोसा। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।